हेलो दोस्तों और विद्यार्थियों, आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण निबंध बताने जा रहा हूं जो कि राष्ट्रीय एकता पर है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहते हैं। अर्थ और महत्व। राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य है राष्ट्र के सभी घटकों में भिन्न विचारों और भिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी से तात्पर्य है कि राष्ट्र में जितने भी घटक होते हैं उनमें भिन्न विचार होता है, यानी कि डिफरेंट आइडियाज़ होता है, और भिन्न आस्था, और उनका जो है एक अलग धार्मिक विश्वास भी होता है, फिर भी हमारे बीच आपसी प्रेम रहता है, एकता रहता है, यूनिटी रहता है, और भाईचारे यानी कि ब्रदरहुड का बना रहना ही राष्ट्रीय एकता है। अर्थात देश में भिन्नताएं हो फिर भी सभी नागरिक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो, यानी कि देश में डिफरेंस तो हो, भिन्नताएं तो हो, लेकिन सभी नागरिक राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत हो। जिस प्रकार एक भवन में ईंट, लोहा, बजरी आदि भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं और सीमेंट उन्हें जोड़ने का काम करता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता का भाव समूचे राष्ट्र को शक्तिशाली, शांत और समृद्ध बनाता है। जिस प्रकार एक भवन में ईंट, लोहा, बजरी आदि भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं और सीमेंट जो है उन्हें जोड़ने का काम करता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता का भाव जो है समूचे राष्ट्र को शक्तिशाली यानी पावरफुल बनाता है, शांत यानी पीसफुल कंट्री बनाता है, और समृद्ध बनाता है, प्रोस्पेरस बनाता है। अनेकता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत अनेकताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्मों, जातियों, वर्गों, संप्रदायों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान और पहनावा भी भिन्न है। इसके अलावा भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं भी कम नहीं है। और हमारे देश में भौगोलिक यानी कि जियोग्राफिकल असमानताएं हैं। कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं पर रेगिस्तान है, तो इस तरह से जो है भौगोलिक भिन्नताएं हैं, सामाजिक भिन्नताएं भी हैं और आर्थिक असमानताएं भी है। आर्थिक असमानता का मतलब कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। इन विभिन्नताओं के बावजूद हम सभी राष्ट्रीय एकता के सूत्र से बंधे हुए हैं। यहाँ सभी जातियों तथा धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ प्रायः लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं तथा एक दूसरे के प्रति सहनशील भी है। यदि कोई एक धर्म के लोग अपना पर्व त्यौहार मना रहे हैं, यदि दूसरे धर्म के लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा होता है तो वह सह लेते हैं, उसे ही सहनशील कहते हैं। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व यानी कि राष्ट्रीय एकता में कौन रुकावट पैदा करता है, क्या चीज़ है, कौन सा तत्व है। भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए अनेक खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा है कुटिल राजनीति। जी हाँ, कुटिल राजनीति जो है सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। यहाँ के राजनेता वोट बैंक बनाने के लिए कभी अल्पसंख्यकों में अलगाव का बीज बोते हैं, कभी आरक्षण के नाम पर पिछड़े वर्गों को देश की मुख्य धारा से अलग करते हैं, यानी कि मेन स्ट्रीम से अलग करते हैं। इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी परस्पर प्रेम से रहना चाहते हैं, आपस में प्रेम से रहना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्ट राजनेता उन्हें बांट कर रखना चाहते हैं ताकि उनका उद्देश्य पूरा हो सके। राष्ट्रीय एकता में अन्य बाधक तत्व हैं विभिन्न धार्मिक नेता, जातिगत असमानता, आर्थिक असमानता इत्यादि। तो ये सभी चीज़ें भी राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। जैसे धार्मिक नेता अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, नफरत फैलाते हैं, जातिगत असमानता कोई छोटे जाति का है तो कोई बड़े जाति का है, आर्थिक असमानता कोई अमीर है तो कोई गरीब है। परस्पर संघर्ष के दुष्परिणाम, जब दो घटक आपस में लड़ते हैं तो क्या परिणाम होता है, उसका जो है बैड रिजल्ट क्या होता है, दुष्परिणाम क्या होता है, हम लोग जानेंगे। जब देश में कोई भी दो राष्ट्रीय घटक आपस में संघर्ष करते हैं तो उसका दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार एक परिवार आपसी समझ और एकता के अभाव में बिखर जाता है,
उसी प्रकार पूरा देश बिखर जाता है। हम एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगते हैं, विश्वास की कमी हो जाती है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। समाधान। प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय एकता को बल कैसे मिले। इसका एकमात्र उत्तर यही है कि देश में सभी असमानता लाने वाले कानूनों को समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय एकता को बनाने का दूसरा उपाय यह है कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति आदर का भाव जगाया जाए। इसमें भारतीय मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्हें विभिन्न संप्रदायों की अच्छाइयों को लोगों के सामने लाना चाहिए, नकारात्मक चीज़ों को दूर ही रखना चाहिए। अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों और विद्यार्थियों कि यह निबंध आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह निबंध आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। एंजॉय योर सेल्फ।